हेलो एवरीवन। अब एक प्रॉब्लम और है जिसकी हमें जिसका हमें पीडीए डिज़ाइन करना है। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज विच इज इक्वल्स टू WW power R। जो भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वो लैंग्वेज कौन सी थी? WCW power R। ओके, WCW power R। तो इसमें क्या करते थे, पहले जो भी आपका W आएगा उसको स्टैक में पुश करेंगे, और जैसे हमने सी को रीड किया, सी पर हमें कोई भी ऑपरेशन यानी स्किप यानी सी को स्किप करेंगे सिंपली, और उसके बाद W power R की स्टार्टिंग होगी। तो क्या करेंगे, उसे जितने भी स्टैक के एलिमेंट हमने W को पुश किए होंगे उसको वन बाय वन पॉप कर लेंगे। तो वहाँ क्या था, जो सी आपका था एक तरीके से क्या था आपका सेंटर। तो दैट मीन जैसे ही हम सी रीड कर रहे थे तो हमें ये पता चल जा रहा था कि अब हमें क्या करना है, इस सी को रीड करने के बाद फिर पॉपिंग स्टार्ट करनी, यानी सी से पहले जितने भी एलिमेंट थे उसको पुश करना था, और इस सी के बाद क्या है आपके जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उससे क्या करेंगे हम स्टैक के सारे सिंबल्स को वन बाय वन पॉप करेंगे। तो सी एक तरीके से क्या था आपका सेंटर। लेकिन इस लैंग्वेज में क्या है, इसमें क्या है आपका WW power R। सपोज दैट अगर कोई एक स्ट्रिंग लेते हैं, सपोज दैट A B फॉर एग्जाम्पल A है, ओके तो ये क्या है आपका W, और इसका रिवर्सल क्या हो जाएगा AB A। दैट मीन्स ये क्या है आपका W, ये क्या है आपका W power R। या अगर ये स्ट्रिंग है या ये स्ट्रिंग है, ओके अगर सपोज दैट ले लिया A B B, ये आपके W है, तो इसका रिवर्सल क्या हो जाएगा BBA। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा W, और ये क्या हो जाएगा W power R। तो अब इसका PDA कैसे डिज़ाइन करेंगे, इसमें तो इजी था, क्यों? क्योंकि यहाँ हमें सेंटर मिल गया था, तो इससे पहले सारे एलिमेंट पुश कर रहे थे और उसके बाद सारे एलिमेंट पॉप कर रहे थे। यहाँ हम सेंटर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ओके तो मैन्युअली तो हम देख सकते हैं कि भाई इधर क्या है, AB है, ये W है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं। लेकिन जब इसका हम PDA डिज़ाइन करेंगे तो क्या करें? PDA डिज़ाइन करने में बेसिकली क्या करेंगे, उसको स्ट्रिंग देंगे। तो PDA को नहीं पता होगा कि सेंटर कहाँ है, और मतलब सेंटर वो आइडेंटिफाई नहीं, तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि कब हमें पॉपिंग स्टार्ट करनी है। और क्या यहाँ क्या गया, हमने ये बताया कि W को पहले पुश करना है, और जैसे ही आपको सी मिलेगा उसके बाद पॉपिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ऐसे यानी इस स्ट्रिंग में यानी इस लैंग्वेज में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं कि नॉर्मली क्या होगा, अगर आपका सपोज दैट ये स्ट्रिंग है तो इसमें क्या करते थे WCW power R में, तो अगर मान लो सपोज दैट क्या होता था, जेड नॉट है फॉर एग्जाम्पल, अगर यही स्ट्रिंग है तो क्या होता था, ए को पुश कर लिया, बी को पुश कर लिया, और बी को यानी सारे W को पुश कर लिया, और सी आता था उसके बाद WTR से क्या करते, ये आपका टॉप ऑफ द स्टैक से मैच किया पॉप कर दिया, ये टॉप ऑफ द स्टैक से मैच किया पॉप कर दिया, ये टॉप ऑफ द स्टैक से मैच किया पॉप कर दिया, ओके। तो एक तरीका ये हो सकता है कि जब आपका इनपुट सिंबल और टॉप ऑफ द स्टैक दोनों एलिमेंट सेम हो तो क्या करें, पॉप करें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ क्या है, अगर इस सिनेरियो को देखें कि अगर आपका इनपुट सिंबल और टॉप ऑफ द स्टैक अगर सेम मिल रहा है तो पॉप करेंगे। तो सिंपली क्या होगा, इनिशियली जेड नॉट, इनपुट सिंबल क्या है ए, तो पहला एलिमेंट तो पुश होगा ही। नेक्स्ट क्या है, बी और टॉप ऑफ द स्टैक ए है तो डिफरेंट है तो पुश करेंगे। नेक्स्ट क्या आपका ए टॉप ऑफ द स्टैक बी है तो इसका मतलब डिफरेंट है, फिर भी पुश करेंगे। नेक्स्ट है आपका ए टॉप ऑफ द स्टैक ए है तो क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे। यहाँ क्या आपका बी टॉप ऑफ द स्टैक बी पॉप कर दिया, यहाँ क्या ए टॉप ऑफ द स्टैक ए पॉप कर दिया। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या होगी, अगर इस तरीके से स्ट्रिंग आगे सपोज है ये आपका W है तो W power R क्या हो जाएगा AA। तो इसका मतलब क्या हो, अगर इस सिनेरियो को लेके चलेंगे जब आपका इनपुट सिंबल और टॉप ऑफ द स्टैक सेम होगा तो पॉप करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, ये आपका ए सपोज है, इसको हमने क्या किया पुश किया, और ये क्या था आपका इनपुट सिंबल और टॉप ऑफ द स्टैक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पॉप हो जाएगा, जबकि ये सेंटर नहीं है। दैट मीन्स अगर इस सिनेरियो को कंसिडर करें तो क्या होगा, ये सेंटर होगा, जबकि सेंटर क्या है एक तरीके से ये है, यानी ये आपका W है, ये W power R है। यानी इस पॉसिबिलिटी को अगर ले कर चलेंगे तो हमें दो सिनेरियो चेक करना पड़ेगा, या तो जैसे ही आपको मिले कि आपका इनपुट सिंबल यानी इस पॉसिबिलिटी को अगर देखें, एक तरफ क्या करना, नहीं हमने क्या किया इस एलिमेंट को जैसे रीड किया इसको पॉप कर दिया, लेकिन हमने क्या किया दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कि नहीं इसको क्या करेंगे हम पॉप नहीं करेंगे पुश करेंगे, ओके। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, यानी एक तरीके से क्या आएगा यहाँ नॉन डिटर्मिनिज्म, कि सेम इनपुट यानी इनपुट सिंबल ए और टॉप ऑफ द स्टैक ए, दैट मीन्स जब इनपुट सिंबल और टॉप ऑफ द स्टैक आपको सेम मिल रहा है तो क्या करेंगे पॉप करेंगे एक डायरेक्शन में, और दूसरे डायरेक्शन में इनपुट सिंबल ए टॉप ऑफ द स्टैक ए अगर मिल रहा है तो क्या कर रहे हैं पुश कर रहे हैं नॉर्मली। तो दैट मीन्स एट अ टाइम सेम इनपुट सिंबल और टॉप ऑफ द स्टैक पे दो डिफरेंट ट्रांजिशन आ रही है, यानी दो डिफरेंट स्टेट मिले, जिसको क्या कहते हैं नॉन डिटर्मिनिज्म, ओके। तो यहाँ क्या होगा, इसका जब PDA डिज़ाइन करेंगे तो वो क्या होगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटन। सिंपली करना क्या उसमें, कि जब आपका इनपुट सिंबल और टॉप ऑफ द स्टैक दोनों सेम मिलेगा तो एक डायरेक्शन में हम क्या करेंगे एलिमेंट को पुश करेंगे, और दूसरे डायरेक्शन में क्या करेंगे एलिमेंट को पॉप करेंगे, ओके। तो अब इसका PDA डिज़ाइन करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
अब इसका पीडीए डिज़ाइन करते हैं। इनिशियल स्टेट क्या सपोज दैट क्यू नॉट, इनपुट सिंबल क्या हो सकता है, स्टार्टिंग ए से भी हो सकती है और स्टार्टिंग बी से भी हो सकती है। तो इनपुट सिंबल ए टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, तो पहला एलिमेंट क्या करेंगे पुश करेंगे, इनपुट सिंबल बी टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, तो क्या करेंगे इसको भी पुश करेंगे। ओके, क्योंकि स्टार्टिंग आपका इसमें भी क्या हो सकता है, आपका स्टार्टिंग ए और बी किसी से भी हो सकती है। तो अगर ए से स्टार्ट हुआ तो ये ट्रांजिशन, बी से स्टार्ट हुआ तो ये ट्रांजिशन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, अगर आपका इनपुट सिंबल ए है टॉप ऑफ द स्टैक बी है तो क्या करेंगे पुश, इनपुट सिंबल बी है और टॉप ऑफ द स्टैक ए है तो क्या करेंगे पुश। ओके, लेकिन अगर आपका इनपुट सिंबल ए है और टॉप ऑफ द स्टैक ए है, ओके इनपुट सिंबल ए टॉप ऑफ द स्टैक ए, दैट मीन्स आपका इनपुट सिंबल और टॉप ऑफ द स्टैक अगर सेम मिल रहा है तो क्या करेंगे पुश करेंगे, एक डायरेक्शन में क्या करेंगे पुश करेंगे और दूसरे डायरेक्शन में क्या करेंगे इनपुट सिंबल ए टॉप ऑफ द स्टैक ए क्या करेंगे इसको पॉप करेंगे। ओके, तो दैट मीन्स सेम ट्रांजिशन पे, यानी इनपुट सिंबल टॉप ऑफ द स्टैक पे पुश ऑपरेशन भी हो रहा है, इनपुट सिंबल ए टॉप ऑफ द स्टैक पे पॉप ऑपरेशन भी हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं नॉन डिटर्मिनिज्म। ओके, तो ये जो आपका पीडीएस लैंग्वेज का बनेगा वो क्या होगा आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, इनपुट सिंबल बी टॉप ऑफ द स्टैक बी अगर मिल गया, यानी इनपुट सिंबल टॉप ऑफ द स्टैक सेम है तो क्या करेंगे एक डायरेक्शन में पुश करेंगे और दूसरे डायरेक्शन में क्या करेंगे पॉप करेंगे। ओके, सपोज द स्टेट क्यू वन है, उसके बाद जितने भी एलिमेंट मिलेंगे क्या करेंगे उनको पॉप कर जाएंगे, ए टॉप ऑफ द स्टैक ए पॉप, बी टॉप ऑफ द स्टैक बी पॉप। ओके, फिर आपकी स्ट्रिंग ओवर जाएगी, नल टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, लीव इट जेड नॉट एंड गोज टू फाइनल स्टेट। तो ये क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू डब्ल्यू पावर आर के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका पी डी ए, जो कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक होगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजिशन और ये ट्रांजिशन सेम है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है एक तरीके से एक तरफ क्या हो रहा है पॉप ऑपरेशन और दूसरी तरफ पुश ऑपरेशन हो रहा है। ओके, और सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है, इनपुट सिंबल ए टॉप ऑफ द स्टैक ए सेम है, इनपुट सिंबल ए टॉप ऑफ द स्टैक ए सेम है, इनपुट सिंबल और टॉप ऑफ द स्टैक अगर सिंबल सेम है लेकिन टू डिफरेंट आपका यहाँ क्या हो रहा है पुश, यहाँ क्या हो रहा है पॉप, तो इसी को कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। ओके, तो अब एक स्ट्रिंग लेके इसको एनालाइज करते हैं कि ये हमारा जो पीडीए बना है वो कैसे इसको एक्सेप्ट करेगा कोई भी एक स्ट्रिंग है। ओके, तो नॉर्मली वहाँ क्या था, जब डब्ल्यू सी डब्ल्यू पावर आर चेक कर रहे थे, डब्ल्यू सी डब्ल्यू पावर आर जब देख रहे थे तो क्या हो रहा था, ये आप डब्ल्यू पुश कर ली, यहाँ क्या था सी, यानी दैट मीन्स सी रीड कर रहे थे और उसके बाद उसको स्किप कर रहे थे। तो यहाँ क्या है, तो दैट मीन्स यहाँ क्या था आपका सी एज अ सेंटर मिल रहा था, लेकिन हमने ये एज्यूम कर लिया है कि जब आपके दोनों एलिमेंट इनपुट सिंबल टॉप ऑफ द स्टैक मिल रहा है तो इसका मतलब एक सिनेरियो में हम ये चेक करेंगे कि हमको सेंटर मिल गया और दूसरे सिनेरियो में चेक करेंगे कि हमें सेंटर नहीं मिला। अब देख लेते हैं कैसे ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। सपोज दैट आपको ये स्ट्रिंग है फोर टाइम्स ए, ओके ये फोर टाइम्स ए है, तो इसमें ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि ये क्या होगा यहाँ ये एज्यूम करेंगे एक तरफ की फर्स्ट एलिमेंट रीड करने के बाद पता चला, जैसे सेकंड रीड करेंगे तो पता चला हमें सेंटर मिल गया, तो एक डायरेक्शन में क्या करेंगे पुश करेंगे और दूसरे डायरेक्शन में पॉप करेंगे। तो देख लेते हैं, तो इसका जो है इनिशियल स्टेट क्यू नॉट है और टॉप ऑफ द यानी स्टैक सिंबल क्या है आपका जेड नॉट, तो इसको इस तरीके से इसको क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। तो इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, ये क्या आपकी प्रेजेंट स्टेट, ये आपकी इनपुट स्ट्रिंग, ये क्या आपका स्टैक एलिमेंट, यानी स्टैक अभी करंटली किसको कंटेन कर रहा है। ओके, तो अगर क्यू नॉट पे है इनपुट सिंबल ए है, क्यू नॉट इनपुट सिंबल ए टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, ये क्या आपका टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, क्योंकि अभी करंटली स्टैक में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जेड नॉट, क्योंकि इनिशियल स्टेट में। तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ क्या होगा, सिर्फ यही ट्रांजिशन एग्जीक्यूट होगा, तो कौन सी स्टेट में अभी नेक्स्ट स्टेट क्या मिल रही है क्यू नॉट, और इनपुट अब क्या हो जाएगा ट्रिपल ए, क्योंकि एक ए रीड कर चुके हैं और इसको क्या करेंगे स्टैक में पुश, तो इस तरीके से दिखा रहे हैं ए जेड नॉट। तो अभी करेंटली स्टैक में कौन कौन से एलिमेंट है, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, उसके बाद क्या है जेड नॉट, क्योंकि हमने स्टैक में एलिमेंट को पुश किया है। स्ट्रिंग अब कौन सी बची है ट्रिपल ए। ओके, अब क्या होगा क्यू नॉट पे इनपुट सिंबल ए और टॉप ऑफ द स्टैक ए है। ओके, दैट मीन्स इनपुट सिंबल ए है और टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो इसके लिए कौन कौन से ट्रांजिशन है, इनपुट सिंबल ए टॉप ऑफ द स्टैक ए ये क्या हो रहा है पॉप, इनपुट सिंबल ए टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो रहा है यहाँ पे पुश, तो इसका क्या मतलब है कि हमें सेंटर मिल गया, इसका मतलब है कि अभी हमें सेंटर नहीं मिला, हमने ये एज्यूम किया कि सेंटर हमने फाइंड कर लिया और इधर क्या है आपने सेंटर नहीं फाइंड किया, तो यहाँ क्या होगा टू डिफरेंट ट्रांजिशन होगी। कौन कौन से, एक तरफ अगर ये एज्यूम कर ले कि हमें सेंटर नहीं मिला तो क्या होगा, और दूसरा एज्यूम कर ले कि हमें सेंटर मिल गया तो क्या होगा, अगर सेंटर नहीं मिल रहा है, नहीं मिला तो क्या कर रहे हैं एलिमेंट को पुश कर रहे हैं। ओके,
और अभी भी अगर एलिमेंट को पुश करेंगे तो कौन सी स्टेट होगी नेक्स्ट आपकी, क्यू नॉट। तो दैट मीन्स क्यू नॉट, सिंपल कौन कौन से बचेंगे, स्ट्रिंग यानी इस स्ट्रिंग को क्या करें, इस एलिमेंट को क्या करें स्टैक में पुश करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू टाइम्स ए जेड नॉट। ओके, ये यानी पूरा स्टैक एलिमेंट दिखा रहे हैं, ये आपकी इनपुट है, जैसे हम रीड कर रहे हैं वन बाई वन, ये आपकी क्या है नेक्स्ट स्टेट, यानी इनपुट सिम प्रेजेंट स्टेट इनपुट सिंबल टॉप ऑफ द स्टैक। तो कौन सा ऑपरेशन हुआ, पुश। क्यों, क्योंकि यहाँ हमें अभी हमने एज्यूम किया कि सेंटर नहीं मिला, ये वाला ट्रांजिशन करेगा। दूसरी तरफ क्या होगा, जब हमें सेंटर मिला तो ये वाला ट्रांजिशन एग्जीक्यूट होगा, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, क्यू वन, इनपुट सिंबल क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ए। ओके, और क्या करेंगे इस एलिमेंट को इसके कंपैरिजन क्या करेंगे, पॉप कर देंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा आपका स्टैक में, क्या होगा आपका जेड नॉट, दैट मीन्स इनपुट सिंबल ए टॉप ऑफ द स्टैक ए, इनपुट सिंबल ए टॉप ऑफ द स्टैक ए, तो क्या कर रहे हैं पॉप, तो स्टैक से क्या करेंगे उस एलिमेंट को पॉप करेंगे। तो ये सिनेरियो होगा दोनों केस में, कि जब हम एलिमेंट यानी हम सेंटर, ये एज्यूम करें कि सेंटर नहीं मिला तो एलिमेंट को पुश कर रहे, दूसरी तरफ ये एज्यूम करें कि सेंटर मिल गया तो क्या कर रहे हैं इसको पॉप कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, अब क्या आपका इनपुट सिंबल ए टॉप ऑफ द स्टैक ए, इसको अगर चेक करेंगे तो फिर यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी आएगी, दोनों पॉसिबिलिटी क्या आएगी कि हमें सेंटर नहीं मिला और दूसरी तरफ ये एज्यूम करें कि सेंटर मिल गया। ओके, तो सेंटर नहीं मिला तो क्या कर रहे हैं, फिर से हम क्या करेंगे एलिमेंट को पुश करेंगे तो क्या बचेगा ए, और उधर क्या आ जाएगा ट्रिपल ए जेड नॉट। ओके, तो ट्रिपल ए जेड नॉट का ये मतलब नहीं कि एलिमेंट ए को रीड किया और टू टाइम्स ए पुश कर रहा है, ऐसा नहीं है, यानी इस एलिमेंट को क्या किया स्टैक में पुश किया, तो अब स्टैक क्या कंटेन कर रहा है, पहले क्या था टू टाइम्स ए फॉलोड बाय जेड नॉट, अब क्या हो जाएगा थ्री टाइम्स ए फॉलोड बाय जेड नॉट, यानी स्टैक में टोटल कितने एलिमेंट हैं, वन टू थ्री फोर। ओके, और अगर सेंटर में मिल गया तो क्या होगा, ये वाला ट्रांजिशन एग्जीक्यूट होगा, तो ये वाला जब ट्रांजिशन एग्जीक्यूट होगा तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, क्यू वन, और इसको इसके कंपैरिजन क्या करेंगे पॉप करेंगे, तो ए और क्या बचेगा यहाँ ए जेड नॉट। ओके, तो दैट मीन्स इनपुट सिंबल और टॉप ऑफ द स्टैक, तो क्या करेंगे टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट को क्या करेंगे पॉप कर देंगे, तो बचेगा क्या ए जेड नॉट। ओके, अब इसको चेक करते हैं, क्यू वन पे इनपुट सिंबल ए, क्यू वन पे इनपुट सिंबल ए, टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो चुका है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है जेड नॉट। तो यहाँ ऐसा कोई भी ट्रांजिशन डिफाइन नहीं है कि आपका इनपुट सिंबल ए हो और टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट हो, इनपुट सिंबल ए टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ए, ये ट्रांजिशन डिफाइन नहीं है, तो क्या होगा ये आपका पीडीए का ट्रांजिशन यहाँ जाके स्टॉप हो जाएगा। ओके, बाकी अब रेस्ट ऑफ द पार्ट चेक करते हैं, इनपुट सिंबल ए टॉप ऑफ द स्टैक ए, तो अभी भी क्या होगा ये दोनों पॉसिबिलिटी आएगी, एक तरफ ये एज्यूम करेंगे कि हमें सेंटर नहीं मिला और दूसरी तरफ ये एज्यूम करेंगे कि सेंटर मिल गया। ओके, तो अगर सेंटर नहीं मिला है तो क्या करेंगे एलिमेंट को पुश करेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू नॉट, स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी है तो नल, और इधर क्या आ जाएगा फोर टाइम्स ए जेड नॉट। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, हमें क्या मिल गया, सेंटर अगर मिल गया तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, क्यू वन, और स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, अब कितना इस एलिमेंट को क्या करेंगे पॉप कर देंगे, तो क्या आ जाएगा टू टाइम्स ए जेड नॉट। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, अब इसको चेक करते हैं कि क्यू वन के ए यानी क्यू वन पे क्या है आपका ए और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ए, तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन एग्जीक्यूट होगा, तो आपको कौन सी स्टेट मिलेगी, क्यू वन ही मिलेगी क्योंकि इसका सेल्फ लूप है, तो क्या हो जाएगा क्यू वन, और यहाँ क्या होगा स्ट्रिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी, इधर क्या मिला आपको जेड नॉट। ओके, अब इसको चेक करते हैं, क्यू नॉट इनपुट सिंबल क्या है आपका नल, तो क्यू नॉट पे नल कहीं डिफाइन ही नहीं है, ये सारे ट्रांजिशन डिफाइन है, कहीं नल ट्रांजिशन डिफाइन नहीं है, तो क्या होगा ये भी आपका पीडीए क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्यू वन पे नल, क्यू वन पे नल डिफाइन है लेकिन टॉप ऑफ द स्टैक क्या आपका स्मॉल है, यहाँ क्या आपका टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा आपका स्टॉप हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, क्यू वन इनपुट सिंबल क्या है नल, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, क्यू वन नल टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, लीव इट जेड नॉट एंड गोज टू फाइनल स्टेट। ओके, इसका मतलब यहाँ हमें फाइनल स्टेट मिल गया। तो इस तरीके से इस स्ट्रिंग को लेंगे और चेक करेंगे वन बाय वन कि एक पॉसिबिलिटी क्या होगी आपका सेंटर नहीं मिला, दूसरा हम ये एज्यूम करेंगे सेंटर मिला, तो इन दोनों पॉसिबिलिटी को चेक करते हुए चलेंगे कि जब आपको सेंटर मिलेगा तो क्या करेंगे पॉप करेंगे, जब सेंटर नहीं मिला तो क्या करेंगे पुश करेंगे। तो इस तरीके से इसको करेंगे, तो एट द एंड अगर ये आपकी स्ट्रिंग कोई भी स्ट्रिंग अगर लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पीरियड डिज़ाइन किया उसमें वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे जो डब्ल्यू डब्ल्यू पावर आर के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एट द एंड आपको क्या मिल जाएगा फाइनल स्टेट। तो
ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, तो ये इसका पीडी है, लेकिन ये पीडी क्या है आपका, डिटर्मिनिस्टिक पीडी है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडी है। ओके, तो एल इज इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू पावर आर का ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडी है, लेकिन इसका डिटर्मिनिस्टिक पीडी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने जब इंट्रोडक्शन टू पीडी डिस्कस किया होगा, तो जो डी पी डी ए की पावर होती है, डी पी डी ए की पावर इज अ सबसेट ऑफ एन पी डी ए। ओके, क्यों? क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू पावर आर का एन पी डी ए तो पॉसिबल है, लेकिन डी पी डी ए पॉसिबल नहीं है। ओके, इसलिए क्या होती है, एन पी डी ए की पावर डी पी डी ए से ज़्यादा होती है। तो अगर कहीं मेनली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वन मार्क्स के, कि अगर आपका ठीक है पावर का कंपैरिजन की डिफरेंट मशीन है, कि आपका डी एफ ए एन एफ ए की पावर क्या होती है, सेम होती है या डिफरेंट होती है, डी पी डी ए एन पी डी ए डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन नॉन ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, वो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये वन मार्क के क्वेश्चन ठीक है फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि डी पी डी और एन पी डी ए की पावर में डिफरेंस होता है या सेम होती है। तो दोनों में डिफरेंस होता है कि एन पी डी ए की पावर जो होती है वो डी पी डी ए से ज़्यादा होती है। ओके।